तो भाई ट्रैक्टर ले जा रहा हूँ एक बार डबल से, और टाइम हो गया है 2:03:28 3:30 भाई। ये रोड पर डाल दिए रेत, ऐसी रोड होना चाहिए बजाने भगाने का मजा है ट्रैक्टर को। तो भाई स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो के अंदर, और अभी का टाइम हो रहा रात के 12, और हम बना रहे थे इधर धाम वाले के लिए चाय, जो कि बन गई है, बढ़ भी गई है। बाकी ये देखो हम दोनों चाय बना रहे थे, टाइम बता देगा, टाइम हो रहा है 12:37 जो कि आप पता नहीं सोने का क्या सिस्टम हो रहा है। चाय थोड़ी सी बची है, एक बार और पिला देते हैं, बाकी फिर मिलते हैं कल। अब मिलते हैं कल सुबह सीधे। तो भाई आज है नेक्स्ट डे, और आपने लास्ट वीडियो देखी होगी, आज तो मैंने कुछ डाला ही नहीं है क्योंकि कल मैंने कुछ नहीं बनाई। जो आपने इसके पहले देखी जो रात का शॉट था वो पिछली रात का था, जो अभी निकली वो रात का नहीं था, पिछली रात का। तो अभी ट्रैक्टर यह खड़ा न्यू हॉलैंड मक्का को ऊपर, मतलब जो बिछाते हैं ना अपने बेली लगा के मंडवार जो बनाते उसके लिए लाए। मैं आया था न्यू हॉलैंड पास कुप्पी लेने, जो कि मेरे को मिली नहीं, इसमें रखी बड़ी कुप्पी। अब मैं जा रहा हूँ बखन्ने डबल कल्टीवेटर मार के। ये क्या हो गया, चालू नहीं हो रहा? अच्छा वो वहाँ से सिस्टम बंद होगा। बाकी मेरे को भरना है अभी कुप्पी जो कि मैंने पूछा तो बोला कि न्यू हॉलैंड पर रखी है, वो यहाँ पर चूहा मर गया। क्या बात है सर, ट्रैक्टर रिएक्टर के किसी के टायर में आ चुका है वो, और फिर कुप्पी का कोई अता पता नहीं हमारा। जी बिल्ली जा रही, देखो क्या क्या जानवर पड़े हैं घर में। बाकी अपनी सीढ़ी लाने वाली है, पटा भी आने वाला है, सुपड़ा भी आने वाला है, बहुत जल्दी जल्दी वीडियो में बने रहना, बहुत मज़ा आने वाला आगे चल के। बाकी मैं अब भी मिलता हूँ कुप्पी पे बनने के बाद सीधे रोड पे। तो भाई अभी आ गया मैं खेत की रास्ता पे, बाकी इधर चल रहा है कुबोटा जो कि जला रहा है रोटावेटर, तो उससे भी खेत बढ़िया हो रहा, मतलब वो भगा के चला रहा हल्का सा। ये समझ लो कि लोग के तीसरे गियर में होगा, वो तीसरे या दूसरे गियर में तो होगा ही होगा, या तीसरे में ही होगा, और अगर हाई लो मीडियम है तो बी के फर्स्ट में चला रहा है। कुबोटा ट्रैक्टर नहीं चलाया मैंने अभी तक। बाकी स्वराज जॉन डियर न्यू हॉलैंड महिंद्रा टाइफर भी चलाया है, कुबोटा का एक बार रिस्पांस लेकर देखना है कितना क्या रिस्पांस मिलता है उसका, क्या जॉन डियर से बेहतर है या नहीं है। सब मिलते हैं खेत में एक बार लगा के कल्टी, अगर नहीं लगता मजा नहीं आते हैं तो फिर फेरेंगे अपन रोटावेटर इसमें। भाई खेत में लगा दिया ट्रैक्टर, इतना खेत में निकाल लिया वो मेट से, और मैं चला रहा हूँ उसको बी के 3 नंबर में, जो कि बर्तन बना के चला रहा हूँ, और कल्टीवेटर लाया है अपना 9 टाइम्स वाला, जो कि इसमें मतलब कम लगता है, प्लस अपन ने खम्मा बांध दिया, टिम में एकदम बराबर हो गए, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कहीं पर वोट आती है वहाँ पर खोद देता है इसी जगह पर। बाकी चलो ये दो एकड़ निपटा दो, उसके बाद चलना वो 1 एकड़ वाले में, ये इसको सबसे लास्ट में बकरा था और इसको सबसे पहले कर रहे डबल में। चलो मिलते हैं ये खेत कंप्लीट होने के बाद। तो भाई खेत हो गया कंप्लीट, और अब मैं जा रहा हूँ वो 1 एकड़ वाले प्लाट में, जो कि ये घाट पे से जाना पड़ेगा, अपना गेट रह गया पीछे, इसको मार मोर के अब चलता हूँ वो वाले गेट में, फिर मिलते हैं। भाई ये रोड पर डाल दिए रेत, ऐसी रोड होना चाहिए बजाने भगाने का मजा है ट्रैक्टर को,
मतलब हल्की सी ताकत लेके चले और दचके भी नहीं लगे। जो होता है ना अपने, ये समझ लो कि जो पानी वाला खेत होता है जिसमें पलेवा करा हुआ होता है, वो खेत मतलब बिना बकरा हुआ पलेवा सिर्फ, वो खेत में जो ताकत लेकर चलता ना ट्रैक्टर, उसमें आता भगाने का मजा तो नीचे सिडिल लटकी रहती है जब। बाकी ये एक एकड़ निपटा देता हूँ, फिर इसको निपटाएंगे, फिर देखते हैं कितना का टाइम बच रहा है। ये तो 3 एकड़ है, ये भी निपट जाएगा हो सके तो, उसमें कुछ आधा 1 घंटा समथिंग लगा है, अब देखते हैं इसमें क्या है क्या नहीं। भाई ये खेत में लगा दिया, वो वहाँ से वो बमूल दिख रहे हैं, वहाँ से इतना खेत निकाल भी दिया, ये इतना पूना बचा है। बाकी पीछे वाली मेर चिपक चुकी है। और टाइम कितना हो गया, 11:48 और कुछ 11:20 के समथिंग लगाया था मैंने इसमें। इसको कंप्लीट करने के बाद मिलते हैं। तो भाई टाइम हो गया दोपहर के 1:30 और अभी इस खेत की मेहर मार रहा हूँ, वो कि इस तरफ गिरी और वो उधर की आधी ट्यूबवेल पास की रही है, बाकी तो कंप्लीट कर दी है। और ये खेत में मैंने चलाया है C1 में, मतलब हाई के फर्स्ट में, क्योंकि बढ़िया खेत निकल रहा था और ज़्यादा इसमें धचके भी नहीं थे, इसमें थोड़े से मज़ा बिगड़े हैं ये खेत में। बाकी चलो इसको मार के फिर चलते हैं घर पे। तो भाई खेत हो चुका है अपना कंप्लीट और अब चलते हैं घर, फिर घर से चलेंगे कन्या भोजन में। फोन लगा के बुला रहे हैं, चलो फिर चलते हैं हम घर, मिलते हैं सीधे 2 बजे खेत में। तो भाई ट्रैक्टर ले जा रहा हूँ एक बार डबल से और टाइम हो गया है 2:03:28 3:30। अब 4 एकड़ तो निकल जाएगा लेकिन उसके बाद देखते हैं 8 एकड़ में कितना क्या निकल रहा है, बाकी क्या करेंगे कल। फिर इधर भी बचा है, इधर भी बचा है, लेकिन उधर उधर का तो हो जाएगा पूरा क्लियर मामला। चलो मिलते हैं सीधे खेत में। तो भाई ट्रैक्टर ला कर लगा दिया खेत में और वो सामने ट्यूबवेल दिख रहा है उसके 10 कल्टीवेटर उधर है मेयर, वहाँ से इतना पकड़ भी दिया। टाइम हो गया 4:05, हमें घर से पता नहीं कब आया था, 3:30 आया था, आधे घंटे में इतना खेत निकल गया, लगभग 1 एकड़ का समथिंग निकल गया। बाकी इसमें दचके ज़्यादा है क्योंकि इसमें चना बोना अपने को, तो दचके ज़्यादा इसे मतलब है कि इसमें अपन ने गड़ा के वो मारा था 7 पल्ले वाला, तो दचके ज़्यादा लग रहे इसलिए मैं चला रहा हूँ उसको B के 3 नंबर में, ये बी में लगा हुआ है ट्रैक्टर। तो चलो फिर मिलते हैं, अब इसको निपटाते हैं फिर मिलते हैं बाद में। भाई टाइम हो गया 5:20 और मैंने कुछ इसमें लगाया था 3:00, मतलब 2 घंटे लग गए, 4 एकड़ खेत भी तो 2 घंटे लग गए इसमें। बाकी डीजल आ गया है इसमें, अपने दी बिजली गए थे जब फुल कराया था तो इसमें लगभग अभी है 5 घंटे चलने का तेल और है इसमें अभी, तो 5 घंटे तो अभी नहीं चलाऊंगा, अभी अपने इधर टुकड़े सब हो गए, बाकी ये मेयर मार देता हूँ इतनी और फिर ले चलते हैं अपने 8 एकड़ वाले खेत में, तो वहाँ फिर चलाता हूँ जितना चलता है इतने डीजल में, मतलब लाल से ऊपर ही, कभी कोई घर का काम आ जाए तो इसमें भी होना चाहिए डीजल, तो इतना चलाते हैं फिर अपन चलते हैं घर, फिर चलेंगे शाम को धाम के प्रोग्राम में। उस खेत में और इधर का मामला हो गया सब ख़त्म, अब इधर टीचर के नाली खींचना है बस, और हो सकता है इधर ट्यूबवेल की हो रही है ये खेत में जिसमें है अपन अभी, मतलब है तो ये जुड़ा लेकिन उस साइड वो कोने पे तो एक करा लिया था पहले ही, अभी जो लास्ट में जो ट्यूबवेल हुआ ना रिसेंटली वो ट्यूबवेल वो कोने पे हुआ है, तो अभी एक इसमें भी कराने की चल रही है, अगर हो सकता है तो कल ही होगा, नहीं तो फिर देखते हैं कब हो रहा है, तो हो सकता मूंग के सीजन पे हो जाए, लेकिन देखते हैं फिर भी क्या रिस्पॉन्स रहता है क्या नहीं। चलो हम मिलते हैं अभी उधर वाले खेत में।
तो भाई टाइम हो गया 6:10, 8 एकड़ वाले में लगभग एक एकड़ के समथिंग निकाल लिया। ट्रैक्टर ले आया मैंने बाहर रोड पे, क्योंकि फल्ले वल्ले भी साफ़ कर लिए, ज़्यादा कुछ तो करे नहीं है क्योंकि कल भी लाना अपने को। और अभी इसलिए जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि अपन को चलना है अब देवी जी में, काम तो कल हो जाएगा, कल 12 बजे तक ये पूरा नहीं पड़ जाएगा। फिर मिलेंगे कल वाली वीडियो में। तो आज की वीडियो में था इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।